गेहूं की सफल खेती। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे गेहूं की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी, जैसे बुआई के समय कौन सी खाद देनी चाहिए, उन्नत समय, खरपतवार की रोकथाम, ग्रोथ, बढ़वार, वृद्धि, और इसके अलावा पीलापन यदि हो रहा है तो उसकी कैसे रोकथाम कर सकते हैं, लगने वाले कीट फंगस, इसके अलावा बीज उपचार, उत्पादन, उपज, सिंचाई, खाद का शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल, और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए आपकी गेहूं की फसल में अधिक उपज उत्पादन के लिए, कब कौन सी खाद देनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय। अक्टूबर और नवंबर का महीना गेहूं की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है, यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से 15 नवंबर के आसपास अनुकूल समय रहता है गेहूं की बुआई करने के लिए। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं खेत तैयार। खेत तैयार, आप गोबर की खाद को 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद को बिखेर कर हल्की गहरी जुताई कराइए और रोटोवेटर से खेत को समतल और मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो अलग अलग राज्यों में थोड़ा सा एरिया के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, अर्ली फार्मिंग के हिसाब से, लेट फार्मिंग के हिसाब से भी वेराइटी अलग अलग होती हैं। जैसे वेस्ट जो वेराइटी हैं, HI की पूसा तेजस, जिसका उपज उत्पादन है 24 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हैं। इसके अलावा 8663 पोषण के नाम से भी जो आती है, लगभग 23 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। और इसके अलावा श्रीराम की 303, 463 और 322 वैरायटी भी बढ़िया वैरायटी हैं। हम आपको बता दें कि 303 वैरायटी का उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा है। यदि आप बेचने के उद्देश्य से गेहूं की खेती कर रहे हैं तो पूसा तेजस और 8663 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि आप खाने के उद्देश्य से बुआई कर रहे हैं तो श्रीराम की 303 वैरायटी लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, और जो आपके एरिया में बढ़िया वैरायटी हो आप उसका चयन कर सकते हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स। तो एक एकड़ में 50 किलोग्राम से लेके 60 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है एक एकड़ के लिए। कुछ वैरायटी होती हैं जो 50 किलोग्राम काफ़ी होता है एक एकड़ में, थोड़ा सा वैरायटी पर भी निर्भर करता है, लेकिन 50 से 60 किलोग्राम एक एकड़ के लिए काफ़ी होता है। और कई स्थानों में तो किसान भाई 70 किलोग्राम तक प्रति एकड़ की दर से बुआई करते हैं। बीज उपचार करने से अंकुरण सही होता है, स्वस्थ ग्रोथ होता है। तो गेहूँ की खेती में कम से कम लागत पर आप अधिक से अधिक मुनाफा कैसे ले सकते हैं। देखिए, बीज उपचार करें आप रेडोमल गोल्ड फंगीसाइड से 1 किलोग्राम बीजों को 2 ग्राम रेडोमल गोल्ड से बीजों को उपचारित आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करते हैं बुआई के समय खाद, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुआई के समय आपको कौन कौन सी खाद देनी है, कृपया ध्यान से सुनिए। जब आप बुआई कर रहे हो तो DAP लगभग 30 किलोग्राम, इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम और यूरिया 25 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके बुआई के समय आप इस्तेमाल करना है, बुआई के समय यूज करना है। किसान भाइयों, बात करते हैं डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी यानी सीड्स से सीड्स डिस्टेंस रखना है 4 से 5 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन का डिस्टेंस रखना है 7 से 8 इंच, और गहराई हमको करनी है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी हमको बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं बुआई की विधि। तो हाथ से भी बुआई करते हैं और सीड ड्रिल से भी बुआई की जाती है, तो आप सीड ड्रिल से सीधी सबसे बेस्ट है बुआई करें। इसके अलावा बात करते हैं सिंचाई। तो गेहूं की फसल पर पहली सिंचाई आपको बुआई से जस्ट बाद कर देना है, और फिर 12 से 15 दिनों के अंतराल पर आप 15-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। गेहूँ की फसल पर मिट्टी पर निर्भर करता है कितनी सिंचाई लगेंगी, नॉर्मली देखा जाए तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। तो बुआई के 24 घंटे के अंदर खाली खेत में ही आप पेंडामेथिलीन 30% EC को 1 लीटर 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं खाली खेत में। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो बुआई के, यदि खरपतवार उग रहे हैं तो बुआई के लगभग जब फसल 25 से 30 दिन की होती है तो आप खरपतवार नाशक जैसे UPL कंपनी का बेस्ता खरपतवार नाशक को 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, UPL का बेस्टा, या फिर जिसमें कॉम्बिनेशन है मेटासल्फ्यूरोन मिथाइल 20% WP+ एलोडिनो फॉप प्रोपर गाइल 15%। जिन खेतों में अधिक से अधिक मंडूसी यानी
गुल्ली डंडा खरपतवार उगता है वहाँ बुआई के समय ही मोमूजी या फिर जेदबा खरपतवार नाशक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि खेत में खरपतवार उग रहे हो तो ही स्प्रे करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है आपको खरपतवार नाशक स्प्रे करने की। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक खाद का शेड्यूल। तो पहली खाद बुआई से पहली खाद आपको देनी है जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की होती है तो आपको 45 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स युक्त खाद को प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको कर देनी है, पहली खाद देनी है। दूसरी खाद जब बुआई से गेहूं की फसल 50 से 55 दिन की होती है तो 1 बोरी यूरिया, इसके अलावा 5 से 6 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार को इन दोनों को जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। इन दोनों डोज को आप दीजिए, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट और परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। किसान भाइयों इसके अलावा बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो केवल गेहूं की फसल पर एक स्प्रे की ज़रूरत है, जैसे कीट आते हैं माहू चैंपा और इसके अलावा फंगस आते हैं रस्ट आता है, लूज स्मट्स आता है, कर्नल बंट आता है और पीला रतुआ, सकिंग पेस्ट जैसे रस चूसने वाले कीटों का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। प्रोपिकोनोजोल 25% ईसी को 200 ml और उसी के साथ आपको लेना है क्लोर पायरीफास 50% प्लस साइपर मैथ्रीन 5% ईसी को 350 ml, इन दोनों को मिक्स करके 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है जब गेहूं की फसल 45 से 55 दिन के बीच की होती है, तब आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। गेहूं में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्यों स्प्रे करना चाहिए, क्यों जरूरी है? गेहूं की फसल पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करने से गेहूं ज़रूरत से ज़्यादा हाइट नहीं होती है और गेहूं ना ही गिरती है और बालियों की लंबाई ठीक तरीके से होती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है मैपीक्वाइट क्लोराइड 5% को आप स्प्रे कर सकते हैं। बालियां निकलते समय आपको जैसे घरडा कंपनी का चमत्कार आता है 200 ml 150 लीटर पानी पर आपको मिक्स करके स्प्रे कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि जब बालियां आपकी निकल रही होती हैं तो आप मैपीक्वाइट क्लोराइड यानी घरड़ा की चमत्कार के साथ आप B20 बोरॉन 20% को 100 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं गेहूं में पीलापन दूर करने के सरल उपाय। यदि जो हमने खाद का शेड्यूल बताया है और हमारे किसान भाई खाद देने के बाद भी पीलापन दूर नहीं होता है, गेहूं में पीलापन नज़र आता है, तो उसके लिए आप वाटर सेल्युबल घुलनशील खाद NPK का स्प्रे कर सकते हैं। जब आपकी फसल लगभग 40वें दिन की होती है तो आप NPK 19-19-19 घुलनशील खाद 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है और जब आपकी फसल बालियां निकल रही होती हैं तब आप 0-52-34 को 1 किलोग्राम 1 एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। यह ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो ही स्प्रे करें, वरना यदि पीलापन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है NPK स्प्रे करने की। बात करते हैं किसान भाइयों गेहूं का जीवन चक्र, तो यह वैरायटी पर निर्भर करता है कि कौन सी वैरायटी, कुछ अर्ली वैरायटी होती हैं, कुछ लेट वैरायटी होती हैं, लेकिन हाँ जीवन जो चक्र है लगभग 4 महीने के आसपास हमारी गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों बात करते हैं उपज उत्पादन और प्रोडक्शन के बारे में। तो गेहूं का उपज उत्पादन अगर वैरायटी पर निर्भर करता है, मिट्टी पर निर्भर करता है और सिंचाई और खाद के डोज पर निर्भर करता है। 24 से 26 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है और कई स्थानों पर लगभग 18, 19 और 20 क्विंटल की दर से उत्पादन होता है, तो कई इलाकों में लगभग 24 से 25 और 26 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ की दर से गेहूं का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बात कर लेते हैं खर्च के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि 1 एकड़ में कितनी लागत लग जाती है गेहूं की, क्योंकि इसमें जैसे जुताई का खर्च, खाद का, स्प्रे का, बुआई, इसके अलावा कटाई, खरपतवार नाशक और भी अन्य खर्च लगते हैं। तो खर्च बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि 1 एकड़ में कितना खर्च लग जाता है और आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमने पूरा शेड्यूल बताया है। इसके अलावा बात करते हैं आवश्यक बातें जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। गेहूं की फसल पर विशेष ध्यान रखना चाहिए सिंचाई पर,
इसके अलावा खरपतवार नाशक का यदि आप स्प्रे कर रहे हैं, बिना गैस वाली 2,4-D का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कृपया ध्यान रहे कि पहले खेत पर सिंचाई कर लीजिए। जड़ों के पास पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए, नमी होगी तो हमारी फसल को लंबा झटका नहीं लगेगा। इसके अलावा बात करते हैं उन्नत किस्मों का, उन्नत किस्मों का ही आपको चयन करना चाहिए जो आपके एरिया में बढ़िया वैरायटी हो, जिनका उपज उत्पादन अच्छा हो, आप उन वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें, यानी 50-60 दिन के बाद, 60 दिन के बाद आप यूरिया नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें। यदि नाइट्रोजन का प्रयोग आप 60 दिन के बाद करते हैं तो कई प्रकार के रोग और कई प्रकार के डिजीज आते हैं। समय पर ही बुआई करना चाहिए और 1 एकड़ पर 50-60 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई करना चाहिए। किसान भाई, कुछ इस प्रकार यदि आप गेहूं की खेती करते हैं तो आपको उपज उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि और भी अन्य फसलों की जानकारी इसी प्रकार हम तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे सेकेंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।